नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ललित मिक्स मोटे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि, जो किसानों के खाते में 2000 करके साल के 6000 रुपये दिए जाते हैं और बेसब्री से इंतजार था किसानों को 12वीं किस्त का। तो दोस्तों, किसानों के खाते में 12वीं किस्त भेज दी गई है आज सुबह 12 बजे। तो चलिए, वो कैसे आप चेक करेंगे तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है पीएम किसान। आप यहां सर्च करेंगे पीएम किसान, तो चलिए यहां लिखते हैं पीएम किसान। पीएम किसान सर्च करने के बाद आपको सर्च करना है और आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पीएम किसान का पोर्टल पहले की कंडीशन कुछ और थी और अब इस बार बिल्कुल नया पोर्टल बनाया गया है और इसमें आप बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ चेंजिंग की गई है और इसमें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी 12वीं इंस्टॉलमेंट पीएम किसान 17। आप देख सकते हैं 11 AM पर यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त सेंड की गई है किसानों के खाते में और ये 17 अक्टूबर आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, पीएम किसान की सम्मान निधि खातों में भेज दी गई है। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस पोर्टल को देखेंगे। इस पोर्टल की चेंजिंग बहुत ही अच्छी और शाइनिंग दिख रही है। आप देखेंगे थोड़ा नीचे करके, आप स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो आप वो पोर्टल का लुक देख सकते हैं। लुक एकदम बेहतरीन बना गया है। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं EKYC, उसके बाद आपको मिलेगा फार्म रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आधार, फेलर रिकॉर्ड, उसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस, स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन फार्मर CSE और बेनिफिशियरी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं आगे। उसके बाद यहाँ डाउनलोड फॉर्म मिलेगा आपको। ये इस कंडीशन से आप अपना पोर्टल देख सकते हैं। ये पोर्टल बहुत ही चेंज किया गया है और ठीक। आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ एक रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन देख सकते हैं और डाउनलोड पीएम किसान, उसके बाद यहाँ हेल्पलाइन नंबर और FAQ। तो इस कंडीशन से इस पोर्टल पर बहुत ही बड़े बदलाव किए गए हैं। खूब बड़े, मतलब बहुत सारी लिंक यहाँ पर शो हो रही हैं जिससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपनी सम्मान निधि कैसे चेक करेंगे मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए, और मोबाइल फ़ोन से और मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर से आप फिर से थोड़ा ऊपर की साइड बैक करेंगे। आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे को तरफ आएंगे और आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सर्वर स्लो हो रहा है, न्यू वेबसाइट बनने की वजह से यहाँ थोड़ा सर्वर में प्रॉब्लम है और अभी यहाँ फिर से हम रिफ्रेश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, बेनिफिशरी पे आप स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आप। दोस्तों, अभी सर्वर अनेबल जा रहा है साइट का न्यू पोर्टल होने की वजह से। चलिए, मैं इस वीडियो में फिर भी बताने वाला हूँ स्क्रीनशॉट के द्वारा। एक स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा था पहले। तो दोस्तों, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा और यहाँ मोबाइल नंबर डालने के लिए मिलेगा। तो आपने KYC कराई होगी तो आपका जो KYC कराने के वक्त आपने मोबाइल नंबर लगवाया है वो आप यहाँ डाल करके यहाँ कैप्चा कोड मिलेगा। यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा गेट डाटा का। तो आपके हमने इस कंडीशन से आपको यहाँ इस कंडीशन से वो पूरा रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा और आप देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पर भेज दी गई है और खाते में आने ही वाली है। यहाँ पेमेंट प्रोसीड कर दी गई है। तो दोस्तों, आप पूरा यहाँ डाटा देख सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो यहाँ फुल डाटा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।